हेलो दोस्तों, आई एम पियूष फ्रॉम माई फॉर्म पटना। आपके सामने ये बूलियन अलजेब्रा टॉपिक लेके आया हूँ, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकेंड पार्ट है। मतलब सेकेंड पार्ट का मतलब फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो आप देख चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट। फिर थर्ड पार्ट में आप देखोगे एसओपी फॉर्म, पोस्ट फॉर्म एंड कैनोनिकल फॉर्म। ओके, अगला पार्ट में मैं बताऊंगा आपको। आपने जैसा लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रेलेवेंस के बारे में देखा था, कंटेंट देखा था, कौन कौन सा टॉपिक कितना अधिक इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में। ओके, अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा। ओके, ये मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन का फर्स्ट पार्ट है बुलियन अलजेब्रा। ओके, सेकेंड पार्ट है केमैप। तो पहले हम लोग बुलियन अलजेब्रा के बारे में यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है, ये बुलियन अलजेब्रा जॉर्ज बोली ने 1852 में आफ्टर इन्वेंशन ऑफ स्विच इन्वेंट किया था। ओके, तो बुलियन अलजेब्रा पढ़ने से पहले हम लोग एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे कुछ बेसिक चीज है। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट एंड गेट, दैट इज डिजिटल सर्किट। ओके, तो देखो, इसके इनपुट को हमने ए एंड बी असाइन किया, देन आउटपुट विल बी ए डॉट बी। हम चाहते तो इनपुट यू और बी भी असाइन कर सकते थे, तो आउटपुट क्या मिलता, यू डॉट बी। हम चाहते तो इनपुट सी और डी भी असाइन कर सकते थे, तो आउटपुट क्या मिलता, सी डॉट डी। तो आप देखें, ये जो भी आप असाइन कर रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। ओके, और ये जो आपको मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक्चुअली लॉजिकल एक्सप्रेशन बनता कैसे है, तो आप साहब बोलेंगे कि लॉजिकल एक्सप्रेशन एक्चुअली, देखो पहले, उससे पहले आपको ये जानना होगा कि तीन बेसिक ऑपरेटर होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक होता है डॉट, एक होता है प्लस और एक होता है बार, इसको प्राइम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये क्या है आपका, इसको बोलेंगे ए बार या बार ऑफ ए, आप भी लिख सकते हो, और इसको बोलेंगे प्राइम ऑफ ए, इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी बोलते हैं। जैसे जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन होता है, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो होता है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। तो देखें, जैसा कि लॉजिक गेट में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, तीन बेसिक गेट होते हैं, कौन कौन से, एंड गेट, ऑर गेट, नॉट गेट। ओके, तो एंड गेट के लिए ऑपरेटर यूज होता है डॉट, और गेट के लिए ऑपरेटर यूज होता है प्लस, और नॉट गेट के लिए ऑपरेटर यूज होता है प्राइम या बार। ओके, तो ये तीन बेसिक ऑपरेटर और वेरिएबल को अगर कंबाइन कर लें तो क्या निकल के आता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो अगर कोई पूछे लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे बनता है, तो आप बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक ऑपरेटर को अगर हम लोग क्लब कर लें, मर्ज कर लें, तो बन जाएगा क्या, लॉजिकल एक्सप्रेशन। ओके, तो देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी हम असाइन करते हैं वेरिएबल ए बी यू बी सी डी, ओके, उसका वैल्यू क्या हो सकता है। आपको पता है कि कोई भी डिजिटल सर्किट डेटा का मैनिपुलेशन किसमें करता है, था बाइनरी में, और बाइनरी में किसी भी वेरिएबल के कितने वैल्यू हो सकते हैं, दो ही वैल्यू हो सकते हैं, क्योंकि दो ही सिंबल हम लोग यूज करते हैं, आइदर जीरो या वन, आइदर जीरो या वन। तो देखें, किसी भी वेरिएबल का, जैसे सपोज करो ये मैंने लिया, दो वैल्यू हो सकता है, आइदर जीरो या वन। जीरो को और हम लोग क्या बोलते हैं, लो, वन को क्या बोलते हैं, हाई, ठीक है। जीरो को हम लोग ग्राउंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको प्लस फाइव वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग फॉल्स बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रू बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऑफ स्विच बोलते हैं, और इसको हम लोग ऑन स्विच बोलते हैं। तो इतने सारे नाम होते हैं लॉजिक जीरो या वन के। ओके, और किसी वेरिएबल के दो ही वैल्यू हो सकते हैं, क्या क्या नाम हो सकते हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लोगे, ये बेसिक है। इतना बेसिक जानने के बाद ही हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इन कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, जिसमें एक्चुअली हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टी और थ्योरम पढ़ेंगे। ओके, और फिर थोड़ी देर में देखेंगे कि किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज क्यों करते हैं, क्यों करते हैं किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज, वो थोड़ी देर में देखेंगे। ओके, बट उससे पहले देखते हैं यहाँ पे कि
कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बुलियन अलजेब्रा का। ओके तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग एंड प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे साहब? एंड प्रॉपर्टी। तो देखें एक बार ध्यान देंगे बोर्ड पे, एंड प्रॉपर्टी कैसे हम लोग लिखते हैं। ओके आपको पता होगा कि एंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है, इतना तो आई थिंक सभी लोग जानते होंगे। एंड गेट का ट्रुथ टेबल, एंड गेट का ट्रुथ टेबल होता है 0 0 0 1। इसका प्रॉपर्टी होता है बोथ ऑफ द इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई। जैसे आप देख सकते हैं कोई भी एक इनपुट अगर लो होगा तो आउटपुट क्या होगा? लो होगा। तो देखो इसे ट्रुथ टेबल को हम लोग चाहें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें बोर्ड पे ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 0 0 0 1। एक्चुअली एंड गेट को डिनोट करते हैं हम लोग डॉट से, इसलिए हम लोग इस ट्रुथ टेबल को ऐसे भी लिख पा रहे हैं। ओके अब देखें इसी ट्रुथ टेबल को अगर हम लोग वेरिएबल के फॉर्म में जनरलाइज कर दें, वेरिएबल के फॉर्म में जनरलाइज कर दें तो इसको एक्चुअली हम लोग बोलेंगे एंड प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल ए डॉट ए, ए डॉट जीरो, ए डॉट वन एंड लास्ट वन इज ए डॉट ए बार। ओके तो देखें इसको चेक करें एक बार, अगर ए का वैल्यू जीरो हो तो इस यहाँ भी जीरो पुट करना पड़ेगा, ए का वैल्यू जीरो तो ये भी जीरो, जीरो डॉट जीरो जीरो। ए का वैल्यू वन पुट करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? वन, वन डॉट वन वन। मतलब ए पे आप जो भी पुट करोगे वही आपको आउटपुट में भी मिल रहा है। इसको अगर जनरलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे आप देखेंगे ए डॉट ए ए होगा। ओके अब देखो ए डॉट जीरो, जीरो में किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा। ए डॉट वन, आप देखो ए का वैल्यू अगर जीरो तो जीरो डॉट वन जीरो, ए का वैल्यू अगर वन तो वन डॉट वन वन। मतलब ए की जगह जो भी असाइन कर रहे हो वही यहाँ पे आ रहा है। मतलब इसको जनरलाइज किया जा सकता है कि ए डॉट वन क्या होगा? ए। अब देखें ए डॉट ए बार, अगर ए का वैल्यू जीरो होगा तो ए बार वन होगा, जीरो डॉट वन जीरो, ए का वैल्यू वन होगा तो ए बार जीरो होगा, वन डॉट जीरो जीरो। तो किसी भी केस में ये क्या मिल रहा है? जीरो। तो ये है एंड प्रॉपर्टी, दैट इज नथिंग बट एंड प्रॉपर्टी। तो आपको एंड प्रॉपर्टी याद रखना है, आपके लिप्स पे होना चाहिए एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि ये बार 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 आपके यूज में आएगा इंटायर डिजिटल में, इंटायर क्वेश्चन में। ओके तो याद रखेंगे ए डॉट ए ए, ए डॉट जीरो जीरो, ए डॉट वन बट ए, ए डॉट ए बार जीरो, याद रखना है आपको। ओके अब देखेंगे एंड प्रॉपर्टी के बाद और प्रॉपर्टी। तो पहले आपको बताएंगे साहब और गेट का ट्रुथ टेबल कैसा होता है, इतना तो आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि और गेट का ट्रुथ टेबल कैसा होता है। तो आप देखें और गेट का ट्रुथ टेबल कैसा होता है, और गेट का ट्रुथ टेबल ऐसा होता है कि इसका प्रॉपर्टी होता है इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी हाई, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ और गेट। अब देखो और गेट को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस ट्रुथ टेबल को हम लोग जैसे यहाँ पे एंड से रिप्रेजेंट किया था, इसको अगर और गेट से रिप्रेजेंट करें इसी ट्रुथ टेबल को, ओके तो कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो देखेंगे, बट हेडिंग आप लिखेंगे और प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे साहब? और प्रॉपर्टी। आप मेरे साथ साथ अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, जो लोग यहाँ वीडियो लेक्चर से यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। देखें अभी हमने देखा था यहाँ पे मैंने ट्रुथ टेबल लिखा था और गेट का, तो उसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके तो देखें अभी हमने देखा था, क्या देखा था? ऐसा देखा था, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट। ओके आप जैसा देख पा रहे हैं, अगर इसी को हम वेरिएबल के फॉर्म में जनरलाइज कर लें तो इसको बोलते हैं और प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं और प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस ए, ए प्लस जीरो, ए प्लस वन एंड लास्ट वन इज ए प्लस ए बार। देखो ध्यान दें, अगर ए का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो प्लस जीरो जीरो, ए का वैल्यू वन तो वन प्लस वन वन। मतलब ए का वैल्यू जो भी पुट करोगे वही मिलेगा, इसको जनरलाइज कर सकते हैं ए प्लस ए ए, ए प्लस जीरो, जीरो में किसी भी चीज को ऐड करोगे तो वही चीज मिलने वाला है, जैसे जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस वन वन और जीरो प्लस जीरो जीरो। मतलब जीरो में जो भी ऐड करोगे वही मिलेगा। ए प्लस वन, देखो डिजिटल में वन से अधिक कुछ होता नहीं है,
क्योंकि 1 को प्लस 5 वोल्ट बोलते हैं। तो अगर मानो किसी लॉजिक गेट को प्लस 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वो लॉजिक गेट उसको लॉजिक 1 कंसीडर करेगा। अगर प्लस 5 वोल्ट ना अप्लाई करके प्लस 10 वोल्ट भी अप्लाई करें तो वो लॉजिक गेट उसको क्या कंसीडर करेगा, 1 ही कंसीडर करेगा। ये सुनो, या प्लस 15 वोल्ट प्लस 20 वोल्ट कुछ भी अप्लाई कर लो, प्लस 5 वोल्ट से अधिक जो भी वोल्टेज आपको अप्लाई करना है अप्लाई कर लो, लॉजिक गेट उसको क्या कंसीडर करेगा, लॉजिक 1 ही कंसीडर करेगा। क्लियर है? ओके, तो 1 से कुछ अधिक होता नहीं है तो 1 प्लस समथिंग क्या होगा, 1। तो आप चाहो तो लिख सकते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 प्लस समथिंग 1, 1 प्लस समथिंग 1। आप चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो 1 प्लस समथिंग 1, 1 प्लस समथिंग 1, 1 प्लस समथिंग 1, कहीं भी 1 ही मिलेगा। ओके, ए प्लस ए बार, ए का वैल्यू 0 तो ए बाय 1, 1 ए का वैल्यू 1 तो ए बाय 0 क्या मिलेगा, 1, किसी भी केस में क्या मिलेगा, 1। ये है आपका और प्रॉपर्टी, याद रखना है, ठीक है। जैसे एक बार रिकॉल करें, ए प्लस ए ए, ए प्लस 0 ए, ए प्लस 1 1, ए प्लस ए बार 1। तो आपको एंड प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी बिल्कुल आपके लिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टी है, हर जगह यूज आएगा। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे कि किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज क्यों करते हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आपको सोचना होता है कि आखिर इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर इस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच या एसी ब्रांच या इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर साइंस आपने क्यों लिया है, ये आपको सोचना चाहिए साहब। सबसे पहले आपका कुछ नाम होगा, जैसे किसी का नाम होता है इंद्रजीत, किसी का नाम होता है रोहित, किसी का नाम होता है सूर्यकांता, किसी का नाम होता है विजय। तो ये नाम जो रखा जाता है, पेरेंट्स रखते हैं तो कुछ सोच के रखते हैं साहब। तो पहले आपको वो भी सोचना चाहिए कि आपका नाम ये क्यों है, किसी भी चीज को आप क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टीफन हॉकिंस का नाम आपने सुना होगा, जो साहब 1946 में एक महान साइंटिस्ट थे, 1946 में बॉर्न हुए थे और अभी 2018 में उनका निधन हो गया, ठीक है ना। उन्होंने बोला था कि अपना सर हमेशा रखना है स्टार की तरफ और बिल्कुल पैर की तरफ देखना भी नहीं है, मतलब हमेशा लाइफ में आपको ऊपर जाना है नीचे नहीं आना है। ओके, बोला था उन्होंने बी अवेयर, हमेशा अवेयर रहो, जागरूक रहो कि कोई भी चीज आपको सामने दिखे तो उसको ऑब्जर्व करो, फील करो, कंक्लूड करो, कंक्लूजन निकालो, ऑब्जर्वेशन निकालो किसी भी चीज को, ठीक है। तो एक्चुअली स्टीफन हॉकिंस के अकॉर्डिंग ही अगर आप किसी भी एक्चुअली यहाँ पे किसी भी चीज को पढ़ते हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं क्या मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो मिनिमाइजेशन क्यों करते हैं ये जानना काफी जरूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे आप मिनिमाइजेशन का एडवांटेज, ओके, एडवांटेज ऑफ मिनिमाइजेशन जल्दी से देखेंगे, बिल्कुल आसान टॉपिक है, ठीक है। सपोज करो कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन है वाई इक्वल टू ए बी प्लस ए बी बार, ए बी प्लस ए बी बार, अब ध्यान दें यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, ए बी प्लस बी बार यूजिंग ऑल प्रॉपर्टी दैट विल बी 1, आंसर विल बी ए। इसको आपने मिनिमाइज किया, ऐसे सिंप्लीफाई किया, मिनिमाइज किया इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को। अगर सपोज करो इसको आप मिनिमाइज नहीं करते, अगर मैं पूछता विदाउट मिनिमाइजेशन इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को अगर इंप्लीमेंट करना हो और रियलाइज करना हो तो कितने टोटल लॉजिक गेट का रिक्वायरमेंट होगा, अब आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब आंसर होगा 4। कैसे, तो देखो बी इनपुट को अगर बार बी पे बार चाहिए तो बार के लिए नॉट गेट से पास कराना होगा, तो एक नॉट गेट, दो बार डॉट है तो दो एंड गेट, एक बार प्लस है तो एक और गेट, ओके, मतलब 4 लॉजिक गेट का रिक्वायरमेंट है अगर आपने मिनिमाइजेशन नहीं किया है तो। मीन जो मैं अभी बता रहा था उसको आप आई थिंक विजुअलाइज भी कर चुके होंगे, हमें ए डॉट बी चाहिए तो एंड गेट यहाँ मिलेगा ए डॉट बी, ए डॉट बी बार चाहिए तो क्या बी को नॉट गेट से पास कराना होगा और फिर दोनों के बीच में डॉट करना है तो एंड गेट यहाँ पे मिलेगा ए डॉट बी बार। अब बताएं दोनों को प्लस करना है तो कौन सा गेट, और गेट की आपको आउटपुट मिलेगा, ओके। तो ये देख सकते हैं आप विदाउट मिनिमाइजेशन
आपने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, आपने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। कितने लॉजिक गेट का रिक्वायरमेंट है? 1, 2, 3, 4। अगर वन लॉजिक गेट का कॉस्ट वन यूनिट कॉस्ट है, अगर वन लॉजिक गेट का कॉस्ट मार्केट में वन यूनिट कॉस्ट है, देन हाउ मच कॉस्ट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस सर्किट बताए। तो आप बोलोगे चार लॉजिक गेट है तो टोटल कॉस्ट का रिक्वायरमेंट 4 यूनिट कॉस्ट होगा। कितना होगा सर? 4 यूनिट कॉस्ट। अब देखो ध्यान दें, अगर मिनिमाइजेशन का कंसेप्ट आपके आपको समझ में आ रहा हो तो आप देख सकते हैं आउटपुट वाई विल बी इक्वल टू इनपुट ए। तो आप चाहें तो इसको साथ ऐसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि दो इनपुट है ए एंड बी और आउटपुट वाई और इनपुट ए इक्वल है। तो आप कहेंगे ए को ही आउटपुट वाई पे दे सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो यहाँ 0-1 दोगे तो आप चेक कर लो यहाँ क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो आप अगर यहाँ 0-1 देते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 आ जाएगा, मतलब जो काम यहाँ पे हो रहा है वही काम यहाँ पे भी होगा। तो बताओ ये था विदाउट मिनिमाइजेशन और ये है विद मिनिमाइजेशन। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जहाँ पे यहाँ 4 लॉजिक गेट का रिक्वायरमेंट था, यहाँ एक भी लॉजिक गेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बताओ इसको अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो कितने कॉस्ट का रिक्वायरमेंट होगा? 0, 0, मतलब ये फ्री में इंप्लीमेंट हो जाएगा, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो देखें एडवांटेज ऑफ मिनिमाइजेशन आपने क्या देखा, आपका नंबर ऑफ हार्डवेयर रिड्यूस हो गया। यहाँ पे 4 लॉजिक गेट का रिक्वायरमेंट था, यहाँ एक भी नहीं है। हार्डवेयर रिड्यूस होगा तो कॉस्ट कम होगा, ठीक है। अब देखें और भी एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, क्या? सर्किट बिकम्स मोर सिंपल, सर्किट काफी सिंपल बन गया। ओके, एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, ध्यान देंगे। सपोज कर ये नॉट गेट है, अगर इसका इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0। मैं आपसे एक क्वेश्चन अराइज करना चाहता हूँ कि क्या जिस टाइम इंस्टेंट पे आप इनपुट 1 दोगे क्या उसी टाइम इंस्टेंट पे आउटपुट 0 मिलेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि इस लॉजिक गेट को एक सफिशियंट टाइम डिले का रिक्वायरमेंट होगा, दैट टाइम इज नोन एज टीपीडी, प्रोपागेशन डिले टाइम। पी फॉर प्रोपागेशन, डी फॉर डिले, टी फॉर टाइम। इसका यूनिट होता है नैनो सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल इस नॉट गेट का प्रोपागेशन डिले टाइम अगर 1 नैनो सेकेंड है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनपुट 1 देने के कितने टाइम के बाद आउटपुट 0 मिलेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए 1 नैनो सेकेंड के बाद। ओके, अगर इसका प्रोपगेशन डिले टाइम 10 नैनो सेकेंड होता तो इनपुट 1 अप्लाई करने के 10 नैनो सेकेंड के बाद आउटपुट 0 मिलता। ओके, तो प्रोपगेशन डिले टाइम क्या होता है? अब के सामने है एक लॉजिक गेट को इनपुट से आउटपुट जनरेट करने में, प्रोड्यूस करने में जितना टाइम डिले का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन डिले टाइम। तो इसका कंसेप्ट आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। एक्चुअली प्रोपगेशन डिले टाइम पे आजकल गेट एग्जाम में क्वेश्चन खूब सारे पूछे जा रहे हैं, काफी हॉट पैटर्न बना हुआ है ये टॉपिक। ओके, जैसे मान लीजिए सर्किट आपको एग्जाम में दे दिया जाए और पूछा जाए इफ द प्रोपगेशन डिले टाइम ऑफ ईच लॉजिक गेट इज 1 टीपीडी, देन हाउ मच डिले रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। ओके, जैसे आपसे बोला जाए कि अगर प्रत्येक लॉजिक गेट का मान लो प्रोपगेशन डिले टाइम 1 नैनो सेकेंड है प्रत्येक लॉजिक गेट का, तो इस सर्किट को इनपुट से आउटपुट जनरेट करने में टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा? ध्यान से देखो, ध्यान से कितना रिक्वायर्ड होगा? कितने लोग बोल रहे हैं 3 नैनो सेकेंड? कुछ लोग बोल रहे हैं वेरी गुड। देखो यहाँ, देखो यहाँ पे अगर 1 अप्लाई किया तो 1 से ये 0 प्रोड्यूस करने में इसको टाइम लगेगा 1 नैनो सेकेंड। इसका आउटपुट आएगा तो इस एंडगेट को अपना आउटपुट देने में 1 नैनो सेकेंड, और जब तक ये इनपुट नहीं मिलेगा तब तक और गेट का फाइनल आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये इनपुट जैसे ही और गेट का मिलेगा तो इसको फिर अपना आउटपुट देने में 1 नैनो सेकेंड, मतलब 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड। टोटल डिले कितना होगा साहब? टोटल डिले होगा 3 नैनो सेकेंड इफ द प्रोपगेशन डिले टाइम ऑफ ईच लॉजिक गेट इज 1 नैनो सेकेंड, देन 3 नैनो सेकेंड डिले इज रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर सर्किट टू प्रोड्यूस द आउटपुट। ओके, तो देखें अगर यही ये विदाउट मिनिमाइजेशन आपने देखा था कि डिले 3 नैनो सेकेंड है, अब देखें विथ मिनिमाइजेशन आपको पता है कि आउटपुट वाई
इनपुट एक के इक्वल होगा और ये एक सिंपल वायर है, तो जिस टाइम पे आप इनपुट जीरो देंगे उसी टाइम इंस्टेंट पे आउटपुट जीरो मिल जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल डिले कितना है तो आप बोलोगे साहब जीरो डिले है, जीरो डिले है। तो आपने देखा विदाउट मिनिमाइजेशन विद मिनिमाइजेशन फायदा आपके सामने नजर आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना सारा एडवांटेज है मिनिमाइजेशन का, क्या क्या, नंबर ऑफ लॉजिक गेट रिड्यूस हो गया, हार्डवेयर रिड्यूस हो गया, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, सर्किट बिकॉम्स मोर सिंपल, सर्किट का कंस्ट्रक्शन सिंपल हो जाएगा, सर्किट सस्ता हो जाएगा, ओके, प्रोपगेशन डिले टाइम कम हो जाएगा, स्विचिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैंने जो जो पॉइंट्स बोला है उसको आप फिर से बैंक में जाके इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप प्लीज नोट्स बनाते रहें, ओके। तो देखें इन सब पॉइंट्स को बार बार आप लोग के जे एग्जाम में पूछा जाता है, ईएस एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, और आपको जानना भी चाहिए एज ए इंजीनियर कि क्यों किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं, क्या फायदा होता है, ओके। तो ये आपने एडवांटेज देखा, ओके। एक और फायदा है, ध्यान से सुनेंगे कि अगर किसी सपोज करो किसी लॉजिकल सर्किट को आपने मिनिमाइज कर लिया, तो आप एक सेम आईसी पे, एक सिंगल आईसी पे मोर नंबर ऑफ लॉजिकल फंक्शन को भी फैब्रिकेट कर सकते हैं, ओके। मतलब इफिशियंट यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके। ये एडवांटेज है किसका, मिनिमाइजेशन का। तो इतने सारे एडवांटेज थे साहब मिनिमाइजेशन के, ओके। तो आपने देखा था पहले क्या, और प्रॉपर्टी, फिर सॉरी एंड प्रॉपर्टी, फिर और प्रॉपर्टी, और ये देखा एडवांटेज ऑफ मिनिमाइजेशन। अब ध्यान दें एग्जाम में, ये तो मैंने समझाया था मिनिमाइजेशन का एडवांटेज, ओके, ये मैंने समझाया था एडवांटेज ऑफ मिनिमाइजेशन। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है सिंप्लीफाई द गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करके आप आंसर ये बता सकते हैं, या इसी क्वेश्चन को पूछने का और कौन कौन सा तरीका हो सकता है। देखो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि 50-100 क्वेश्चन करने से बेटर है कि आप 10 क्वेश्चन ही करो, बट पूरे एनालिसिस के साथ करो, पूरे एनालिसिस के साथ करो, ओके। एक मेरा वीडियो आप देख सकते हैं इसी चैनल पे, गेट 2019 एक्सपीरियंस के लिए मैंने बनाया हुआ है। एक्चुअली उस वीडियो में एक्चुअली बहुत सारा मैंने छोटा छोटा पॉइंट बताया हुआ है जो आपको गेट एग्जाम के लिए काफी यूजफुल साबित होने वाला है, ठीक है। तो उस वीडियो को भी जरूर आप देखेंगे, उसमें भी मैंने ये सब बताया हुआ है कि किसी प्रश्न को आप जब करते हैं तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, उस क्वेश्चन में आपको एनालिसिस क्या क्या करना होता है। जैसे मानो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है ये एनालिसिस करना काफी जरूरी है। तो देखें इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है मिनिमाइज करें इसको, या एक और पूछा जा सकता है कि आपने अभी देखा कि आउटपुट वाइज इनपुट ए पे सिर्फ डिपेंड कर रहा था, मतलब यहाँ पे बी वेरिएबल का कोई रोल नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं बी इज रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है कचड़ा निकाल के फेंक सकते हैं, रिडंडेंट वेरिएबल, ठीक है, या बी इनपुट इज रिडंडेंट इनपुट, जो भी पूछा जाएगा एग्जाम में आप बता पाएंगे। तो क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द इनपुट इज रिडंडेंट इनपुट, ऑप्शन चार दिया रहेगा ए बी सी डी, कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा ओनली बी, जिसको आप टिक कर देंगे, ओके, आपके सामने। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है आउटपुट वाई इंडिपेंडेंट ऑफ विच इनपुट, कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा ओनली बी, जिसको आपको टिक कर देना होगा। तो इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी में, एक ही क्वेश्चन में, ओके। चलिए अगला एक क्वेश्चन करेंगे जो बेस्ड होगा किस पे, और प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी पे, जो मैं जो भी थ्योरी पार्ट आपको पढ़ाऊंगा किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे डिजिटल हो, कंट्रोल हो, माइक्रो प्रोसेसर हो, जो भी थ्योरी पढ़ाऊंगा उसका पैरेलली क्वेश्चन मैं वहीं पे करा दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि गेट एग्जाम में 80% क्वेश्चन में कंसेप्ट नहीं पूछा जाता है, कंसेप्ट का एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो बस कंसेप्ट आप मगअप कर लो और कंसेप्ट को अप्लाई करने नहीं आए
तो दैट इज वर्थलेस, बिल्कुल फालतू है, यूजलेस है, कोई आपके काम आने वाला नहीं है। तो इसलिए जो भी कंसेप्ट आप पढ़ो पैरेलली क्वेश्चन करो। जैसे अभी आपने पढ़ा था एंड प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी, तो उसी पे एक क्वेश्चन आप करेंगे जो पूछा गया था आईएएस सब्जेक्ट के 2003 में, 2004 में और 2010 में था। देखें ये मैं ईयर क्यों लिख देता हूं, ताकि आप लोग ईएएस एग्जाम के लिए भी अपना स्ट्रेटेजी बना पाओ, ठीक है ना। एक्चुअली ईएएस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में अप्रोक्स 70-80% क्वेश्चन लास्ट 20 इयर्स के रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। ओके अब देखें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखें लिखें हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टू इंपोर्ट, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टू इंपोर्ट नैंड गेट आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन बाय ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार। ओके अब देखें हम, ओके आपसे क्या पूछा जा रहा है, अभी आपने देखा मिनिमम नंबर ऑफ नैंड कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया हुआ था, 0, 1, 2 एंड लास्ट वन है 3। ओके तो चेक करते हैं ए बी, इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, ए बी बार ब्रैकेट में आएगा सी प्लस सी बार, सी प्लस सी बार क्या होता है 1, यूजिंग ऑल प्रॉपर्टी अभी आपने पढ़ा। ओके इन दोनों में आप कॉमन क्या लेंगे, ए ब्रैकेट में आएगा बी प्लस बी बार, व्हाट विल बी बी प्लस बी बार 1 एंड दैट विल बी ए। ओके तो आप बताएं तीन इनपुट है ए बी एंड सी, आउटपुट वाइज इनपुट ए पे डिपेंड कर रहा है, तो आप चाहें तो मिनिमाइज करके ऐसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप बताएं कितने लॉजिक गेट का रिक्वायरमेंट है, एक भी नहीं, ऑप्शन क्या होगा 0, ऑप्शन क्या होगा 0। ओके यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता था, ऐसे पूछा जा सकता था आउटपुट वाई इंडिपेंडेंट ऑफ विच वेरिएबल, मानो ऑप्शन दिया हो ऑप्शन ए ओनली ए, ऑप्शन बी ओनली बी, ऑप्शन सी बी एंड सी, ऑप्शन डी ए बी एंड सी, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी बी एंड सी। आउटपुट वाई किस इनपुट से इंडिपेंडेंट होगा, बी एंड सी से ये इंडिपेंडेंट होगा। ओके इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा वेरिएबल रिडंडेंट है, रिडंडेंट है, तो आप बोलेंगे बी एंड सी वेरिएबल क्या है, रिडंडेंट है। तो देखो एक ही क्वेश्चन को पूछे जाने के कितने सारे टाइप हो सकते हैं। ओके कॉपी कर लिया, ओके रफ कर देता हूं मैं, तो ये आपने एप्लीकेशन किसका भी देखा, और प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी, इसमें आपने कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, पर वापस से कॉपी पे देखो, और प्रॉपर्टी यूज किया एंड प्रॉपर्टी यूज किया। ओके अब काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ओके क्या होता है ट्रांसपोजिशन थ्योरम, देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आप लोग के एग्जाम के लिए। ट्रांसपोजिशन थ्योरम होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, आप लोग भी कॉपी करते जाएं ए प्लस बी सी। ओके आप देखें अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले ही कॉपी करते जाएं, नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो बस देखते रहें। एलएचएस क्या होगा, एलएचएस होगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, इसका प्रूफ देख रहा हूं, इसका हम लोग देखेंगे प्रूफ, प्रूफ इसका प्रूफ एलएचएस ये दिख रहा है। ओके आप देखें ए डॉट ए डॉट सी ए सी, ए डॉट बी ए बी, बी डॉट सी बी सी, आप देखें इन तीनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, ए ब्रैकेट में वन प्लस ए वन प्लस सी प्लस बी और ये एज इट इज बी सी। आप बताएं वन प्लस समथिंग अभी पढ़ा था वन, तो ये क्या मिल जाएगा ए प्लस बी सी, दैट विल बी नथिंग बट आर एच एस, ये क्या हो जाएगा आर एच एस, क्लियर है। तो दैट इज नथिंग बट ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ओके कॉपी कर लिया, अब देखिए कॉपी करने के लिए आप चाहे तो YouTube वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे आई थिंक टाइम लेने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप पॉज कर सकते हैं। ओके पॉज फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन योर मोबाइल, ओके ये एडवांटेज है आपको। देखिए साहब यहाँ पे बोर्ड पे एक बार इसकी इसका जस्ट
हम लोग इसके साथ ही इसका एप्लीकेशन देखेंगे एक क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन गेट ऑब्जेक्टिव में भी एक बार पूछा हुआ था और ये ऑब्जेक्टिव में भी एक बार पूछा हुआ था। क्या था? सिंप्लीफाई द गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई द गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार। इसको सिंप्लीफाई कर रहा था। तो देखें ट्रांसपोजिशन थ्योरम का पूरा एप्लीकेशन है इसके अंदर। देखें ए प्लस समथिंग इंटू ए प्लस समथिंग मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी क्या लिखोगे? ए प्लस बी सी। यहां देखो ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी क्या लिखोगे? ए प्लस बी सी। आप बताओ बी डॉट बी बार जीरो बी डॉट बी बार जीरो कौन सा प्रॉपर्टी? एंड प्रॉपर्टी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने। अब बताएं यहाँ से क्या निकल गया ए और यहाँ डॉट है यहाँ से क्या निकल गया ए बार क्या होगा? जीरो। आंसर क्या आ गया? जीरो। ओके तो ये आपने जो थ्योरम पढ़ा था उसका जस्ट बाद आपने इसका एप्लीकेशन भी देख लिया। ओके तो पहले भी आप ये भी समझते जा रहे हो कि किसी भी पार्टिकुलर थ्योरम को कैसे हम लोग क्वेश्चन में यूज करते हैं। ओके अब हम लोग देखते हैं अगला थ्योरम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। तो अभी तक एक बार रिकॉल करें साहब कि आपने कौन कौन सा प्रॉपर्टी और थ्योरम पढ़ा हुआ है। एक बार रिकॉल करें आपने सबसे पहले पढ़ा था एंड प्रॉपर्टी फिर पढ़ा था और प्रॉपर्टी फिर पढ़ा आपने ट्रांसपोजिशन थ्योरम अब देखेंगे आप डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। तो ध्यान देंगे डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ओके तो देखें डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम इज जस्ट अपोजिट ऑफ ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। देखो ट्रांसपोजिशन थ्योरम में जो LHS था वो यहाँ पे RHS है और जो वहां पे RHS था वो यहाँ पे LHS है। ओके तो देखें ए प्लस बी सी को आपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है इसलिए इसका नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। क्लियर है? ओके अब इस थ्योरम का एप्लीकेशन देखते हैं फटाफट। चार एप्लीकेशन फटाफट आप लोग भी कॉपी करते रहेंगे। ए प्लस ए बार बी ए प्लस ए बार बी बार लास्ट वन ए बार प्लस ए बी बार। देखें ध्यान से तुरंत एप्लीकेशन देखेंगे तो ये थ्योरम आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके देखें ए प्लस बी सी क्या लिखेंगे? ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। पता है सर ए प्लस ए वाला क्या होता है? वन। रिमेनिंग क्या मिलेगा? ए प्लस बी। क्लियर है? अब देखें ए प्लस बी सी क्या लिखेंगे? ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी बार ये क्या मिलेगा? वन। आंसर विल बी ए प्लस बी बार। बाकी दो तो आप भी कर सकते हैं बट मैं कर देता हूं आप कॉपी कर लो। देखो परफेक्ट प्योर एप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का। ये क्या मिलेगा? ए बार प्लस बी। ओके ये तो वन हो जाएगा रिमेनिंग ए बार प्लस बी। लास्ट वन देखे था लास्ट वन ए बार प्लस ए इंटू ए बार प्लस बी बार क्या मिलेगा? ए बार प्लस ठीक। ये एप्लीकेशन है किसका? डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का। कई बार तो ये पीएसयू एग्जाम में या ईएस ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन जैसे ये दे देता है और चार ऑप्शन ए बी सी डी दिया होता है सिंप्लीफाई करके बताना होता है। तो अगर ये दिया जाएगा तो आसानी से आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। कोई सा भी दिया जाए आसानी से आप आई थिंक ओवरली ऐसे देख के ऑप्शन बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। क्लियर है? अब देखें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पैटर्न जो बार बार पूछा जाता है आप लोगों के गेट और ईएस एग्जाम और पीएससी एग्जाम में भी। क्या क्वेश्चन? मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन बाय y इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार। ओके इस पैटर्न का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे ए बी और एच डी लिखा इन दोनों में कॉमन
ए बार, ब्रैकेट में क्या आएगा, बी बार प्लस, सॉरी बी प्लस बी बार, दैट विल बी वन। यहाँ से निकल के आ गया ए बार, और ए बी को एज इट इज लिखा। अब बताए कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं रेसिप्रोकल, क्या लिखोगे, ए बार प्लस ए इंटू ए बार प्लस बी, ध्यान दें ये वन एंड दैट विल बी आंसर विल बी ए बार प्लस, क्लियर है। इस पैटर्न का क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या आप कर लेंगे, सुनाई नहीं दिया, अरे सुनाई कैसे देगा, आप तो यूट्यूब पे पढ़ रहे हो ना, बट आई थिंक आई होप सो आपने यस बोला होगा, ओके गुड, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप भारत के यूथ हैं, आपके अंदर इतना एनर्जी है कि आप एनर्जी को यूट्यूब पे भी बाहर लाएंगे, क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम आपने देखा, पहले ही आपने एप्लीकेशन भी देखा, अब देखो आगे देखेगा, आगे अगला काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दैट इज कॉल्ड कंसेंसस थ्योरम, कंसेंसस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है ना, इसको मैं 5 स्टार देना चाहूंगा, 5 स्टार काफी इंपॉर्टेंट है था, ओके देखें क्या होता है कंसेंसस थ्योरम, ए बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी, दैट इज नथिंग बट कंसेंसस थ्योरम। इसका एक बार प्रूफ देखते हैं, प्रूफ देखें, प्रूफ एलएचएस क्या दिख रहा है साहब, एलएचएस दिख रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी, आप बताए साहब कि बी सी को मैं चाहूं तो बी सी डॉट वन लिख सकता हूँ, यस आप यस बोल सकते हो, ए बी प्लस बी सी, अब बताओ इस वन को ए बार प्लस ए लिख सकता हूँ, तुसी कोई गल, अरे पंजाबी में बोला आपको कोई दिक्कत, नो तो इसको क्या लिखोगे वन, ओके ये क्या होगा ए बार सी, अब देखो सॉरी 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 देखें हम, मैंने इसको सॉरी इस वन को मैंने क्या लिखा ए प्लस ए बार, और इसको ही कैंसिल कर दिया, अभी देखें इसको एक्सपेंड करना है सर, तो ए बी प्लस ये क्या मिलेगा ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार सी, ओके आप देखें इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए बी ब्रैकेट में वन प्लस सी वन, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा ए बार सी ब्रैकेट में अब बी प्लस वन वन, दैट विल बी ए बी प्लस ए बार सी, दैट इज नथिंग बट वर्ड आर एच एस एच यू कैन सी हियर ए बी प्लस ए बार सी, क्लियर है प्रूफ हो गया। अब आपको ये लग रहा होगा इतना बड़ा थ्योरम क्वेश्चन में यूज क्यों कैसे करेंगे, छोटा थ्योरम तो आप यूज कर नहीं पाते हो, इतना बड़ा थ्योरम यूज कैसे करेंगे, तो ध्यान दें एक्चुअली आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये थ्योरम ही क्वेश्चन है, थ्योरम ही क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कंसेंसस थ्योरम ही यूज करना है, तो ध्यान दें पहचानने का तरीका बता रहा हूं, देखें ऐसा क्वेश्चन 3 वेरिएबल से मिलकर बना होना चाहिए, आपको दिख रहा है ए बी सी 3 वेरिएबल से मिलकर बना हुआ, सारे वेरिएबल 2 बार होने चाहिए, आप लिख सकते हो साहब, ठीक है ना, पहचानने का तरीका 3 वेरिएबल होने चाहिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, सभी वेरिएबल 2 बार यूज होना चाहिए, और कोई एक वेरिएबल या तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए, ओके ये पहचानने का तरीका है, तो ओके यहाँ पे 3 वेरिएबल ए बी सी, सभी वेरिएबल 2 बार यूज हो रहा है, ए भी 2 बार बी भी 2 बार सी भी 2 बार, और कोई एक वेरिएबल ही कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, कौन सा ए, तो देखें ध्यान में जिस टर्म में वो वेरिएबल होगा वो अपीयर हो जाएगा मिनिमाइज फॉर्म में, और जिसमें वो वेरिएबल नहीं होगा वो बन जाएगा रिडंडेंट टर्म, वो बन जाएगा रिडंडेंट टर्म, तो देखें इस क्वेश्चन को पूछे जाने का 2 तरीका होता है, एक तो पूछा जाता है कि इसका मिनिमाइज फॉर्म क्या होगा, या एक क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन ऑफ द टर्म इज रिडंडेंट टर्म, योर आंसर योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी, इतना ना दे ऑप्शन बी आप स्किप कर दोगे बी सी ब्लाइंडली, क्लियर है ओके, तो इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, सुबह से शाम तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है फिर करना क्या है, करना यही है कि आपको पहचानना है शॉर्टकट से इसमें से कौन कौन सा टर्म मिनिमाइज फॉर्म में अपीयर होगा और कौन सा टर्म बन जाएगा रिडंडेंट टर्म, क्लियर है,
तो देखें इसी पैटर्न में दूसरा क्वेश्चन है, कराता हूं, आई थिंक आप सभी बता पाएंगे सही आंसर, ओके, विदाउट एनी सिंप्लीफिकेशन, विदाउट पेन, विदाउट यूजिंग द पेन आप क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन दो नंबर में पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे, ए बी प्लस बी बार सी प्लस ए सी। अब बताएं सर कितने वेरिएबल हैं, तीन, ए बी सी, सभी वेरिएबल दो वाली हो रहा है, कोई एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है बी, तो जिस टर्म में बी वेरिएबल रहेगा वो अपीयर हो जाएगा मिनिमाइज फॉर्म में, और जिसमें बी नहीं रहेगा वो बन जाएगा रिडंडेंट टर्म, बस वो तो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना, ओके। अगला एक क्वेश्चन और बताएंगे आप, वाई इक्वल टू ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार सी। अब देखिए यहाँ पे तीन वेरिएबल है, सभी वेरिएबल दो बार यूज हो रहा है, बट मैंने बोला था या तो एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या एक वेरिएबल अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी वेरिएबल अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, तो जिस टर्म में सी वेरिएबल रहेगा वो अपीयर हो जाएगा मिनिमाइज फॉर्म, मिनिमाइज फॉर्म में, और जिसमें नहीं रहेगा वो बन जाएगा रिडंडेंट टर्म। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखें कितना आसान तरीका है रिकॉग्नाइज करने का, काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है ना, ओके। ये थ्योरम कंसेंसस थ्योरम एसओपी फॉर्म के साथ साथ पॉज फॉर्म में भी यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल टू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए बार प्लस सी। अब ध्यान दें तीन वेरिएबल, सभी वेरिएबल दो बार यूज हो रहा है और कोई एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, कौन सा है, ए, तो जिस टर्म में ए वेरिएबल रहेगा वो मिनिमाइज फॉर्म में अपीयर होगा, और जिसमें नहीं रहेगा वो बन जाएगा साहब क्या, रिडंडेंट टर्म। क्लियर है, ओके। तो ये थ्योरम सॉल्व के साथ साथ पॉज में भी यूज हो सकता है, ओके। अब देखेंगे कंसेंसस थ्योरम का एक एक्सटेंडेड फॉर्म जो आप लोगों को बुक में देखने को नहीं मिलता है, बट आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हॉट पैटर्न बन चुका है। देखेंगे y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डी प्लस ए सी डी, ध्यान ये क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पे आप तो बताओ कंसेंसस थ्योरम क्या यूज हो पाएगा, आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि चार वेरिएबल ए बी सी और मैंने बोला था तीन ही वेरिएबल होना चाहिए, ओके। तो इसको आप सॉल्व भी करोगे सुबह से शाम तक तो आंसर क्या आएगा, ध्यान में कंसेंसस थ्योरम का एक्सटेंडेड फॉर्म, मानो अगर यहाँ डी वेरिएबल नहीं रहता तो यहाँ कंसेंसस थ्योरम यूज होता और ये क्या होता था, रिडंडेंट टर्म होता। आप लोग एक चीज बताएं, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि आपका आपके किचन में मानो एक डस्टबिन है, उसमें पहले से दो रोटी रखा हुआ है, ठीक है, अगर उसमें आप तीसरा रोटी भी डाल दें तो वो भी क्या बन जाएगा, रिडंडेंट बन जाएगा, कचड़ा बन जाएगा, या उठा के उसको खा लो, नहीं खा पाओगे, ठीक है ना। एक रोटी मानो और डाल दो तो भी वो भी कचड़ा, एक रोटी और डाल दो वो भी क्या बन जाएगा, रिडंडेंट। मतलब अगर ये रिडंडेंट टर्म था, इसमें कितने भी वेरिएबल और मल्टीप्लाई कर दो ये सबको क्या बना देगा, रिडंडेंट बना देगा, ओके। तो आपका आंसर क्या होगा साहब, आपका आंसर होगा ए बी प्लस बी बार सी, दिस इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ, देखो इसको एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कंसेंसस थ्योरम, ओके। अब देखेंगे इसके बाद लास्ट थ्योरम, दैट इज कॉल्ड डी मॉर्गन थ्योरम, लास्ट थ्योरम कौन सा, डी मॉर्गन, डी मॉर्गन थ्योरम। इसके अंदर दो थ्योरम होता है, क्या क्या होता है साहब, पहला होता है ए प्लस बी का होल बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, एंड सेकेंड वन इज ए डॉट बी टू द होल बार विल बी ए बार प्लस बी बार। देखें ध्यान में, इन होल बार इंडिविजुअल बार में कन्वर्ट हो जा रहा है प्लस डॉट में, देखिए होल बार इंडिविजुअल बार में कन्वर्ट हो जा रहा है, डॉट प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डी मॉर्गन थ्योरम, ओके। इसको आप ट्रुथ टेबल के फॉर्म में प्रूफ कर सकते हैं, ओके। अब देखें डी मॉर्गन थ्योरम का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आपको आगे चल के मिलने वाला, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन,
इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपका बुलियन अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो एक बार हम लोग रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, एक बार फास्ट रिवीजन करेंगे। हर टॉपिक में मैं लास्ट में फास्ट रिवीजन कराऊंगा। आप कॉपी वॉपी बंद कर लें और बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन वीडियो पे होना चाहिए, मेरे पे होना चाहिए। मैं जो भी पूछूंगा आंसर आप देंगे, ठीक है। क्या क्या हमने पढ़ा, कौन कौन सा प्रॉपर्टी और थ्योरम पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा यस एंड प्रॉपर्टी, ओके। नेक्स्ट वन इज बताएं, आप बताएं, मुझसे जानने का कोशिश ना करें, आप बताएं। और प्रॉपर्टी, पहले एंड, फिर और प्रॉपर्टी, फिर ट्रांसपोजिशन थ्योरम, फिर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, फिर कंसेंसस थ्योरम और लास्ट वन इज डेमोर्गन थ्योरम। तो ये आपका बुलियन अलजेब्रा कंप्लीट हुआ, क्लियर है, ओके। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप बेल बटन को प्रेस करें, ठीक है। पहले सब्सक्राइब करें चैनल को और आईपा पटना चैनल के बेल बटन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में हम लोग जो भी वीडियो बनाए वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए और आप वीडियो का आनंद ले पाओ, ठीक है। अगर मेरा वीडियो कैसा लगा आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, जो मुझसे रिलेटेड टॉपिक हो, मतलब मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, अगर आपको वीडियो का रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक डाल सकते हो। डेफिनेटली उसमें मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ओके। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन भी प्रेस कर देना है, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच, और इसको शेयर करके दूर दूर तक फैलाएं, ताकि इलेक्ट्रिकल ईसी और IN और कंप्यूटर साइंस ब्रांच के जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, जिनका बेसिक वीक है, या जो पास आउट हो चुके हैं, कहीं कोचिंग ले भी चुके हैं बट डिजिटल वीक है, तो अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर लें, ओके। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।